भारत ने 24 घंटे के अंदर ही सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए जवान की शहादत का बदला ले लिया है। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी दो चौकियों को तबाह कर दिया है। खबरों की माने तो भारत की कार्रवाई में कम से कम 8 से 10 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए हैं। हालांकि इस आंकड़े की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। ड्यूटी जो फॉरवर्ड ड्यूटी पॉइंट है उस पर तैनात था और पाकिस्तान की तरफ से लगभग 4:15 बजे स्नाइपिंग शॉट आया जो है और इसको हिट हुआ और उसके बाद में जो ऑटोमेटिक फायर है वो भी आया। एंड जब ये इंटीमेशन मिली तो उसके जो नेबरिंग माउंट्स हैं उन्होंने रिटेलिएट किया और रिटेलिएट करने के बाद में काउंटर पार्ट की तरफ से भी फायर शुरू हो गया। एंड देन एक सॉलिड रेस्पॉन्स जो है बीएसएफ की तरफ से दिया गया जिसमें कि पाकिस्तान का जो है काफी जानी माल का नुकसान हुआ है। बता दें कि सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में बीएसएफ के जवान आरपी हजरा बुधवार को शहीद हो गए थे। हजरा सांबा सेक्टर में तैनात बीएसएफ में हेड कांस्टेबल पद पर तैनात थे और बुधवार को उनका जन्मदिन भी था। आरपी हजरा के जन्मदिन पर हुई शहादत के बाद बीएसएफ ने पाकिस्तान के खिलाफ बदले की बड़ी कार्रवाई शुरू की। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि जवानों ने दो पाकिस्तानी मोर्टार की पोजीशन का पता लगाया और उन्हें निशाना बनाया और नष्ट कर दिया, जिसमें कम से कम 8 से 10 पाकिस्तानी रेंजर्स के मारे जाने की खबर है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।